चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मुंबई की खबरों में। आइए देखते हैं मुंबई में क्या कुछ हो रहा है खास। भांडुप एस वार्ड के सहायक आयुक्त संतोष धोंडे द्वारा डॉक्टर भीम साहेब अम्बेडकर के अपमान किए जाने पर भाजपा नेताओं ने आंदोलन करने का मन बनाया था। दरअसल भाजपा नेता अशोक सिंह 7 सितंबर को एस वार्ड के सहायक आयुक्त संतोष धोंडे को जन समस्याओं और जनहित कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर ज्ञापन देने गए थे। उस समय सहायक आयुक्त ने कहा कि मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा और उनको मानने वाली पार्टी भाजपा को नहीं मानता, जिसको लेकर भाजपा नेताओं ने आंदोलन का मन बनाया था। लेकिन आंदोलन को देख सहायक आयुक्त संतोष धोंडे ने माफी मांग ली, जिसको लेकर इस आंदोलन को खत्म किया गया। थर्सडे का आंदोलन जो थर्सडे को मैं आया था, एक्चुअली हमारा आंदोलन फ्राइडे को था, लेकिन बीएमसी ऑफिसर मिले नहीं जो वार्ड ऑफिसर हैं। और हमारा आंदोलन ये था कि जब मैं उनको मिलने के लिए आया था गुरुवार के दिन, तो उन्होंने मैंने उनको कार्ड दिया था और कार्ड दिया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ कुछ ज्ञापन देने के लिए, तो उन्होंने कार्ड को डिनाई किया, मुझे मिलने नहीं दिया। फिर मैं ज़बरदस्ती अंदर गया और कहा मैं बाबा साहब के विचारों की पार्टी से आया हूँ, बहुजन समाज पार्टी से आया हूँ, दो बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव लड़ चुका हूँ, असेंबली का चुनाव भी लड़के आया हूँ यूपी से। हम बाबा साहब के विचारों को मानते हैं, हम कानून को हाथ में नहीं लेते हैं, हमें सिर्फ ज्ञापन देना है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसी पार्टी को नहीं मानता, ऐसी विचारों को नहीं मानता, मैं बाबा साहब को नहीं मानता, इसलिए हमने फ्राइडे के दिन आंदोलन किया था इसके लिए। लेकिन वो ये मिले नहीं, यहाँ से चले गए, इनको सूचना मिली होगी, चले गए होंगे, भाग गए होंगे। लेकिन आज उनसे मुलाकात हुई, हमने पहले से पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आंदोलन करने वाला हूँ, तो 2 बजे का समय दिया था, मैं आज गया, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा कि मैं, उन्होंने पहले तो इनकार किया कि मैं किया नहीं, तो ऐसा कहा नहीं था, अगर मैं ऐसा कहा हूँ तो मैं माफ़ी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। तो हमारा काम था कि बाबा साहब को मानने वाला, पूरा देश हमारा बाबा साहब को मानता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो बाबा साहब को नहीं मानता हो, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान बनाया है। इसलिए हमारा ये आंदोलन था, उन्होंने अपनी माफ़ी मांगी, गलती मानी, उन्होंने स्वीकार किया बाबा साहब को, हमारा आंदोलन खत्म हो गया। बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पे सत्ता नहीं है, उत्तर प्रदेश में 4-4 बार सरकार बनी है, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं ऐसा बोलने के लिए, अभी महाराष्ट्र में उन्होंने ऐसा बोला है, अभी वो RSS माइंड के हैं कि किसके हैं पता नहीं है, उनके दिमाग में क्या भरा हुआ, अभी उन्होंने ऐसा कहा, उनको सबक हम सिखाने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने गलती मान ली, हमारा आंदोलन खत्म हो गया। BSP में उन्होंने माफ़ी मांग ली, उन्होंने कहा मैं बाबा साहब को मानता हूँ, हमारा आंदोलन खत्म हो गया, हमने माफ़ कर दिया। BSP नियम कानून से चलती है, बाबा साहब के विचारों से चलती है, बाबा साहब के संविधान के हिसाब से चलती है, उन्होंने माफ़ी मांग ली, हमने माफ़ कर दिया, बात खत्म हो गई।